राज्य सरकार की ओर से सरकारी विभागों को समय पर कार्मिकों की डीपीसी यानी विभागीय पदोन्नति करने के निर्देश देने के बावजूद पशुपालन विभाग में कर्मचारियों को अपने प्रमोशन के लिए पिछले कई साल से इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी प्रथम नियुक्ति वाले पशुधन सहायक के पद से ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं और बेरोजगार युवा भी रोजगार से वंचित हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कार्मिक विभाग के आदेश की उड़ रही धज्जियां, सालों से नहीं हुई पदोन्नति, पशुपालन विभाग में बिना पदोन्नति हो रहे कार्मिक रिटायर्ड, नहीं मिल पा रहा समय पर पदोन्नति का लाभ, बेरोजगार युवा भी हो रहे रोजगार से वंचित। राज्य सरकार की ओर से सरकारी विभागों को समय पर कार्मिकों की डीपीसी यानी विभागीय पदोन्नति करने के निर्देश देने के बावजूद पशुपालन विभाग में कर्मचारियों को अपने प्रमोशन के लिए पिछले कई सालों से इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके कारण कर्मचारी प्रथम नियुक्ति वाले पशुधन सहायक के पद से ही रिटायर हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बेरोजगार युवा भी रोजगार से वंचित हो रहे हैं। विभाग में पशुधन सहायक के कुल 8,359 स्वीकृत पद और पशु चिकित्सा सहायक के 1,644 स्वीकृत पद हैं। आंकड़ों की बात करें तो पशुधन सहायक से पशु चिकित्सा सहायक में पदोन्नति का मात्र 20% अवसर मिलता है। उस पर पदोन्नति पिछले कई सालों से लंबित पड़ी हुई है। वहीं पशु चिकित्सा सहायक से सहायक सूचना अधिकारी में पदोन्नति के अवसर कार्मिकों को 5% भी नहीं मिल पा रहे हैं। इन पदों पर बकाया है पदोन्नति। पशुधन सहायक से पशु चिकित्सा सहायक के पदों पर पदोन्नति, पशुधन सहायक से पशु चिकित्सा सहायक की बैकलॉग की पदोन्नति, पशु चिकित्सा सहायक से सहायक सूचना अधिकारी के पदों पर पदोन्नति, पशु चिकित्सा सहायक से सहायक सूचना अधिकारी की बैकलॉग की पदोन्नति। पत्र लिखकर की मांग। राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ ने पशुधन सहायक संवर्ग के पशुधन सहायक पशु चिकित्सा सहायक की डीपीसी करवाने के लिए पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को पत्र लिखकर पदोन्नति करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनवारी लाल बुनकर ने कहा कि सरकार की भी मंशा है कि विभिन्न संवर्गों और पदों की वरिष्ठता सूची जारी कर नियमित डीपीसी आयोजित करवाई जाए। कार्मिक विभाग की ओर से भी समय समय पर इसके निर्देश दिए जाते हैं। इसके बाद भी पशुपालन विभाग में अनदेखी के चलते कर्मचारियों के डीपीसी सालों से लंबित है और पशुपालन विभाग सरकार के निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहा। संघ ने पशुधन सहायक से पशु चिकित्सा सहायक की पदोन्नति, पशुधन सहायक से पशु चिकित्सा सहायक की बैकलॉग की पदोन्नति, पशु चिकित्सा सहायक से सहायक सूचना अधिकारी की पदोन्नति और पशु चिकित्सा सहायक से सहायक सूचना अधिकारी की बैकलॉग की पदोन्नति के आदेश जारी करवाने की मांग की है। कार्मिक विभाग ने फिर दिए निर्देश। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में कार्मिक विभाग ने इस संबंध में फिर से निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी विभागों को कहा गया है कि वे 31 जुलाई तक विभागीय पदोन्नति की बैठक करनी होगी, जिससे रिक्त पदों के लिए आरपीएससी अपना भर्ती कैलेंडर जारी कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। एक विशाल एस्ट्रॉइड 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा है। इसका नाम है एस्ट्रॉइड